हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा योर कंप्यूटर टीचर। टुडे आई विल यू टीच योर कंप्यूटर ऑफ क्लास 6। फर्स्ट ऑफ ऑल शो योर बुक आईटी फ्रेमवर्क। नाउ आई विल शो योर कंटेंट। They are total 10 chapter. First chapter computer language. Topic first generation computer, second generation computer, third generation computer, fourth generation computer, fifth generation computer and translator. Okay? Then see your book. First generation computer, first chapter, first generation computer. Then show your notebook. First of all हम देखेंगे प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रोग्रामिंग। ए सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू परफॉर्म सम साइंटिफिक टास्क यूजिंग ए कंप्यूटर, राइट? सेकेंड प्रोग्रामिंग, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सेट इंट्रोडक्शन एंड ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि सिस्टम खुद कोई वर्क नहीं करता है, उस पर जो वर्क सिस्टम को जो ऑपरेट करते हैं वही उसका उस पर वर्क करते होते हैं। सिस्टम सिर्फ आउटपुट देता है, इनपुट क्या जो भी सिस्टम पर यूजर बैठे होते हैं वही इनपुट देते हैं। हम जब भी कंप्यूटर को कुछ वर्क देते हैं, कोई भी वर्क देते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम को रीड करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को जो रीड करता है वो प्रोग्रामर कहलाता है, ठीक? जो भी टॉपिक प्रोग्रामर कंप्यूटर को देगा वही कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। अब क्वेश्चन है कि हम कंप्यूटर से कैसे बात करें। क्या यह आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो हम लोग आज के चैप्टर में लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं और ट्रांसलेटर है, उसको कैसे हम उसका सिस्टम को जानेंगे, सब एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू हम सिस्टम को जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल एजेंसी लैंग्वेज। ओके, सबसे फर्स्ट है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज। इंट्रोडक्टेड 1940। मशीन लेवल लैंग्वेज इज फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। इट्स दिस ओनली लैंग्वेज डैट कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड। जो बाइनरी लैंग्वेज, ओनली बाइनरी लैंग्वेज को ही हमारा सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, बाकी कोई भी लैंग्वेज उसको कुछ समझ में सिस्टम में कुछ समझ भी नहीं आता है। बस बाइनरी लैंग्वेज बस दो ही नंबर होते हैं, 0 and 1। वन जो कुछ एग्जीक्यूट करता है और 0 जो कि कुछ भी ऑफ कर देता है। मशीन लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज मैक फास्ट एंड इफ़ेशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर। मशीन लेवल लैंग्वेज जो था वो अपने लैंग्वेज को मशीन के लिए परफेक्ट था, लेकिन मशीन के लिए परफेक्ट था वो इंसानों के लिए कुछ समझ में आने लायक नहीं था। तो मशीन लेवल लैंग्वेज सिर्फ सिस्टम समझता था, ना कि हम समझते थे। हम लोगों को ज़रूरत पड़ा अपनी लैंग्वेज में, जब तक हम लोग खुद नहीं समझेंगे तो सिस्टम पे क्या वर्क करेंगे। जब तक यूजर नहीं समझेंगे तब तक सिस्टम पे वर्क करना पॉसिबल ही नहीं है। सिस्टम तो अपने आप वर्क करता नहीं है। सिस्टम पे वर्क करने के लिए हमको सिस्टम को ऑपरेट करना आना चाहिए। तो ऑपरेट करने आने के लिए उसका लैंग्वेज भी समझना ज़रूरी होता है। कुछ डिसएडवांटेज भी थे सिस्टम का, उसको आप सही से याद नहीं कर सकते थे। आपको याद तो टफ तो नहीं था, लेकिन फिर भी याद करना बहुत
इम्पॉसिबल जैसा था। जैसे एक ही वर्ड देखिए, हलो, सिर्फ एक वर्ड है यहाँ हलो, हलो वर्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए इतना सारा नंबर्स का यूज करना पड़ा। क्या ये पॉसिबल है कि हम इतना सारा वर्ड को टाइप, इतना सारा नंबर्स को हम टाइप करें, उसके बाद हमें एक हलो वर्ड बोले, जो कि लाइफ में हलो वर्ड एकदम छोटा सा वर्ड है। हलो वर्ड तो वैसे भी व्हाट्सएप पे लोग लिख देते हो, हलो हलो हलो। सेकंड, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज 1950 में इंट्रोडक्ट हुआ, और 1950 में असेंबली लेवल लैंग्वेज एक मेमोनिक कोड था, सिंबल यूज ऑफ सिंबल। असेंबली लेवल लैंग्वेज का भी डिसएडवांटेज था, सी योर ऑल जनरेशन नोटबुक में, ऑल जनरेशन कंप्यूटर नोट किया हुआ, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और अपने नोटबुक में सारे टॉपिक को वन बाय वन नोट करते चलिएगा। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो अभी जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का फीचर ऐसा है, हम जो भी बोलते हैं वो डायरेक्ट सिस्टम या रोबोट एग्जीक्यूट करता है। ओके, अब देखते हैं सारे जनरेशन के लिए एक ट्रांसलेटर का यूज हुआ। ट्रांसलेटर, थ्री टाइप्स के ट्रांसलेटर का यूज आज तक हुआ है, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब असेंबलर का क्या यूज है, वर्क ऑफ असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, असेंबलर। असेंबली लेवल लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज था, जो कि ह्यूमन रिलायबल, जिसको ह्यूमन रीड कर सकते थे, और मशीन लेवल लैंग्वेज सिर्फ मशीन समझता था। अब दोनों के बीच में जो एक ट्रांसलेटर का जो डेवलप हुआ उसका नाम हुआ असेंबलर। ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज तो हमें समझ में कुछ आता नहीं है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश अगर नहीं जानते होते तो आज के डेट में ये वीडियो आप भी नहीं देख रहे होते, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता। तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। ट्रांसलेटर किसी भी अदर कंट्री में आप जाते हो तो आपको वहाँ का लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ क्या है नहीं है। जैसे अदर कंट्री के लोग यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट गाइड होते हैं, जो कि हर दो लैंग्वेज का के लिए वो पाए जाते हैं। ट्रांसलेटर का यूज, जो भी ट्रांसलेटर बनते हैं वो दो लैंग्वेज का, एक तो जो सुनने वाले हैं और एक जो जिनके बारे में सुनाने वाले हैं, दोनों का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ओके, असेंबली लेवल लैंग्वेज से लेता है, मतलब ह्यूमन से लेता है और मशीन को देता है। तो इनपुट कहाँ से ले रहा है, असेंबली लेवल लैंग्वेज से, और आउटपुट कहाँ दे रहा है, असेंबलर, मशीन लेवल लैंग्वेज को। ओके, सेकेंड, वर्क ऑफ कंपाइलर। अब कंपाइलर का क्या वर्क है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो अब आप क्वेश्चन कीजिएगा असेंबलर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। तो कंपाइलर जो था वो इंटायर टॉपिक को कन्वर्ट करता था मशीन लेवल लैंग्वेज में, पूरे टॉपिक को एक साथ यहाँ कन्वर्ट करता था, और इसके अकॉर्डिंग वो असेंबलर क्या था, थोड़ा स्लो वर्क करता था। और कंपाइलर में भी बहुत सारा कमी निकला, जिसके कारण निकला इंटरप्रेटर। डेवलप किसका हुआ, इंटरप्रेटर का, इसका भी यही यूज था, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। वर्क ऑफ इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, इस हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज हुआ। कंपाइलर में क्या था कि इंटायर वर्कशीट या फिर इंटायर टाइप वर्ड्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। अगर एक भी वर्ड अगर मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल एम, कंपाइलर का अगर एम मिस्टेक है तो पूरा जितना भी आपका डॉक्यूमेंट बना है सारा एरर हो जाता था, जो कि हर एक लाइन हर एक स्टेटमेंट में चेक करना इम्पॉसिबल है। हमारे पास एक छोटा सा वर्क रहता है, तभी हम लोग
देख लेते हैं लाइन बाय लाइन कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन जिनको सॉफ्टवेयर बनाना होता है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और बहुत बड़ा प्रोग्राम बनता है जिसको एक बार में कन्वर्ट किया जाता था मशीन लेवल लैंग्वेज में। वर्क ऑफ इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम करता था। इंटरप्रेटर का क्या था, ये लाइन बाय लाइन रीड करता था, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता था स्टेटमेंट वाइज। ओके, और यहाँ कहीं भी एरर होता था टू द पॉइंट, वहाँ जाकर एरर होता था, ना कि पूरा प्रोग्राम एरर करता था। ओके, सो आप लोग का ये था 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। देन आप लोग अच्छे से रीड कीजिए और वीडियो पोज करके हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन लिखिए, उसका सॉल्व हम देंगे। ओके, थैंक यू।